हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे आर के नारायण। 1906 में जन्म हुआ था, 2001 में इनकी डेथ हो गई आर के नारायण की। अगर फुल नेम की बात आ जाता है कई बार, फुल फॉर्म क्वेश्चन, रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी अय्यर। अच्छा, इतना ही है भाई, रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण, ठीक है। 10 अक्टूबर, नाम से ही पता चल रहा है कि साउथ इंडियन है ना। 10 अक्टूबर यानी 10वां महीना 10 तारीख 2006 मद्रास में, 1906 में, 1906 के बजाय 1910 में हो जाता तो 10 10 10 याद हो जाता आराम से, लेकिन भाई ये क्या करें, याद रखना पड़ेगा 10 10 6 मद्रास में। और 13/5/2001 इनकी डेथ हो जाती है। फादर का नाम था कृष्णा स्वामी लेयर, स्कूल मास्टर थे इनके फादर। आर स्टैंड फॉर रासीपुरम, और रासीपुरम क्या था इनके गांव का नाम था। के फॉर कृष्णा स्वामी इनके पापा का नाम था। नारायण इज नॉट गुड स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट नहीं था, फेल हो गया था स्कूल में, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में भी फेल हो गया था। 1930 में ग्रेजुएट कर ली महाराजा कॉलेज से, 24 साल का था तब। और कॉन्ट्रीब्यूशन किया इन्होंने, फाइनेंशली हेल्प की, फर्स्ट एज ए क्लर्क मैसूर में, सेक्रेटरी में काम किया क्लर्क के रूप में, फिर टीचर बन गए विलेज स्कूल में। 1935 में इन्होंने, इनकी जो फ्यूचर वाइफ थी उनसे मिले, राजम, राजम इनकी वाइफ का नाम था भाई। कृष्ण नारायण ने भाई प्रपोज कर दिया राजम फादर, अच्छा नारायण हिमसेल्फ प्रपोज्ड बिफोर राजम्स फादर हु वॉज मच इम्प्रेस्ड बाई फ्रेंकनेस एंड होनेस्टी। अच्छा, इसकी फ्रेंकनेस और ऑनेस्टी से काफ़ी राजम के फादर इम्प्रेस हो गए और उनकी शादी कर दी भाई। जन्म कुंडली डिड नॉट टैली, नारायण वॉज सो एंथुजास्टिक दैट ही मैनिपुलेट थ्रू हिज एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, इसकी वाइफ थी ना वो इंग्लिश नहीं जानती थी और इसलिए सी कोऑपरेट हर हस्बैंड इन हिज वर्क। इंग्लिश नहीं जानती फिर भी कोऑपरेट किया उसने अपने हस्बैंड के वर्क में। हेमा उसकी डॉटर थी, किसकी, नारायण स्वामी की, आर के नारायण की। इसकी वाइफ टाइफाइड से मर गई थी 1939 में जब दूसरा युद्ध शुरू हुआ था। उनका गाइड नावल के कारण उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। गाइड मूवी भी बनी हुई देवानंद की, 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनको द गाइड के कारण। और पद्म विभूषण भी मिला है 1964 में, और नॉमिनेटेड भी हुए थे राज्यसभा के लिए, राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं ना 6 साल के लिए होती राज्यसभा। इनके वर्क देख लेते हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स, याद करने के लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी। देखो, स्वामी और उसके फ्रेंड बैचलर थे आर्ट के और डार्क रूम में बैठे थे। ये है प्रल्यूड भाई, द प्रल्यूड वर्ड्सवर्थ की है, वैसे सिंपल प्रोड्यूस आ जाए तो टीएसी लीड की है। वह प्रल्यूड रिचर्ड एल्डिंगन, क्या ये अजीब से नाम है, इन्होंने भी लिखी थी। और अगर स्टोरी पूछे तो कैथरीन मैंसफील्ड ने भी स्टोरी लिखी थी प्रल्यूड। अगर ए प्रल्यूड की बात आई तो डी आर लॉरेंस की एक स्टोरी है ए प्रल्यूड। तो ये नाम भी तो कई कई रख देते थे। आगे देख लेते हैं हम, देखो क्या क्या याद किया हमने। स्वामी और उसके फ्रेंड बैचलर थे आर्ट के और डार्क रूम में बैठे थे। अब इंग्लिश टीचर आया, इंग्लिश टीचर क्या नाम था इंग्लिश मिस्टर संपत, ठीक है ना। पेंटर था वो मालगुडी का पेंटर, यानी सभी को अच्छे से सिखाता था मिस्टर संपत आया इंग्लिश टीचर। वो बोला फाइनेंशली एक्सपर्ट बना दूंगा तुमने पढ़ा पढ़ा के। फिर वो वेटिंग करने लगे महात्मा की, वेटिंग फॉर महात्मा जो उन्हें गाइड करेगा। और मैन ईटर ऑफ मालगुडी की, मैन ईटर बनाएगा उनको मालगुडी का, मालगुडी उनका फिक्शनल टाउन है भाई, जिसको मोस्टली वर्क में मालगुडी मिलेगा। वेंडर ऑफ स्वीट, अब स्वीट बेचने वाला आ गया। पेंटर ऑफ साइन, अब जो मिस्टर संपत था ना पेंटर, अब पेंटर ने साइन किया भाई हाँ स्वीट तो ले आओ। अ टाइगर ऑफ मालगुडी कि तुम तो टाइगर हो जा। टाकेटिव मैन, वो मैन से बातें करने लग गया। वर्ल्ड ऑफ नागराज कि ये नागराज का वर्ल्ड है, ग्रैंड मदर ने कहानी सुनाई थी।
नागराज का वर्ल्ड है, क्योंकि अंधेरे रूम में बैठे थे ना, बाहर नहीं निकल रहे थे। अब याद हो गए, देखो स्वामी और उसके फ्रेंड ने बैचलर थे आर्ट के, डार्क रूम में बैठे थे। इंग्लिश टीचर आया, मिस्टर संपत पेंटर ऑफ मलगुडी, बोला फाइनेंशली एक्सपर्ट बना दूंगा। फिर वो वेट कर रहे थे महात्मा का जो गाइड करेगा उनको। और मैन ईटर ऑफ मालगुडी। फिर वेंडोर आ जाता है, वेंडोर ऑफ स्वीट, पेंटर ऑफ साइन। नज़दीक ले जाओ ना तो धुंधला हो जाता है, पता नहीं इस कैमरे को ही क्या गड़बड़ा भाई। अ टाइगर ऑफ मालगुडी, टैकेटिव मैन, वर्ल्ड ऑफ नागराज और ग्रैंड मदर टेल। दो तीन बार सुनोगे ना याद हो जाएगा। रिटोल्ड लीजेंड, लीजेंड होती है लोक कथाई, गॉड डैमन एंड अदर, रामायण महाभारत। देखो रामायण महाभारत तो पहले लिख चुकी थी, रिटोल्ड कर दी इसने, रिटोल्ड लीजेंड है ये। स्टोरी भी लिखी है उन्होंने, स्टोरी होती है कहानियाँ, नावल से छोटी होती है भाई स्टोरी, नोवेला से भी छोटी होती है। ए हॉर्स एंड टू गोट, एक हॉर्स दो बकरियाँ। एस्ट्रोलोगर डे एंड अदर स्टोरी, लावले रोड, रोड पे थी वो, ठीक है ना। मालगुडी डेज, दादू एंड अदर स्टोरी, दादू लेके गए थे किसको, हॉर्स एंड टू गोट को लेके गए थे। एस्ट्रोलॉजर का डे था उस दिन, और कौन सा रोड था, लोले रोड पे मालगुडी के दिन, और दादू और अदर स्टोरी थी। और साइक्लोन, साइक्लोन आ गया भाई, तूफान आ गया उस दिन, साइक्लोन एंड अदर स्टोरी। गॉड डैमन एंड अदर स्टोरी, उन्होंने लगा इतना तूफान तो किसी, या तो गॉड ने लगा रहा है या डैमन ने, ठीक है ना। अंडर द बनियान ट्री, और बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ होता है ना, बनियान ट्री के नीचे वो बैठ गई, ठीक है। क्या करने गए थे, शॉर्ट स्टोरी को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं कि हॉर्स और दो बकरी लेकर एस्ट्रोलॉजर के डे, एन एस्ट्रोलॉजर डे, एस्ट्रोलॉजर डे में मतलब रोड पे, लावले रोड पे मालगुडी डेज के दिन, मालगुडीज में थे जब दादू, दादू याद कर लेंगे, दोदू है वैसे तो, दोदू ने देखा कि साइक्लोन आ गया, या तो गोड ने, गोड डायमन या किसी और ने किया होगा, और अंडर बनियन ट्री के नीचे बैठ गए। मेमोरीज लिखी है इन्होंने, मेमोरीज होते हैं ओल्ड डे। ट्रैवल लिखते थे, आजकल तो देखो वेलॉग के माध्यम से दिखाते हैं हम वहाँ जा रहे हैं, पहले लिखते थे। ट्रैवल, माई डेटलेस डायरी, ट्रैवल डायरी में लिखेंगे भाई, उसके बारे में बताएंगे। डेटलेस है उसकी डायरी भी, और एक रूट है, कौन सा रूट है, इमराड रूट। ऐसे लिखे उन्होंने, नेक्स्ट संडे, कलेक्शन ऑफ स्केच एसेज, रिकलैंड गुरु, अविन राइटर ऑफ नाइटिंग, नाइटमेयर, रात को बुरे सपने आते थे उसका, राइटर ऑफ नाइटमेयर। द वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी टेलर, द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलर, ये इनके ऐसे थे। अब देखो ये वर्जन ऑफ रामायण बेस्ड ऑन कंबन ने रामायण लिखी थी भाई 1972 में, और महाभारत 1978 में आई थी इनकी। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले, विच जर्नल वाज एडिटेड बाय नारायण, नारायण ने कौन सा जर्नल एडिट किया था, वो था इंडियन थॉट, द इंडियन थॉट। विच नोवल रिसीव नारायण रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड, द गाइड के लिए मिला था, द गाइड पे मूवी बनी हुई है भाई। 1960 में इनको क्या मिल गया था, गाइड के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया था। विच नावल वाज टर्न इंटू अ फिल्म, वही था गाइड। नारायण वाज नॉट हैप्पी विद दिस वर्जन, इस वर्जन से नारायण हैप्पी नहीं थे, क्योंकि लास्ट में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दी थी ना नावल में, मिर्च मसाला बनाए बिना फिल्म वाले नहीं बनाते। विच फॉरेन यूनिवर्सिटी कन्फर्म ऑन हिम द ऑनर ऑफ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, क्या था ऑनर ऑफ डी लिटरेचर, 1967 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड थी वो। विच इंडियन यूनिवर्सिटी ऑल्सो कन्फर्म द ऑनरी डी लिटरेचर, ये
किसने दिया था 73 में, वो कितना था 67। ये थी भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी। नारायण विजिट यूएसए, विजिट किया नारायण ने कहाँ पे, यूएसए में 1956 में। इनविटेशन किससे मिला था, रॉकफेलर सोसाइटी से। नारायण स्टोरी एंड स्केचेज हैव बीन ब्रॉडकास्ट, नारायण की जो स्टोरी है और स्केचेज ब्रॉडकास्ट किया जाता था बीबीसी पे, बीबीसी रेडियो की है ना, बीबीसी। विच सब्जेक्ट वाज ड्रेड टू नारायण एट स्कूल, अर्थमेटिक, सभी डरते हैं इस चीज़ों। विच बुक ऑफ नारायण हैज बीन कॉल्ड अ बुक ऑफ 10,000 बाई ग्राम ग्रीन, ग्राम ग्रीन ने कहा था भाई ये, अ बुक ऑफ 10,000 स्वामी एंड फ्रेंड्स। आई हैव नेवर रीड एनी बुक, एनी अदर बुक अबाउट इंडिया इन द लीस्ट लाइक इट, विच कॉमेंट अबाउट स्वामी एंड फ्रेंड के बारे में ये बात किसने कही थी, कैप्टन मैग, कौन था ये, कैप्टन मैकेंजी, कैप्टन मैकेंजी ने कहा था कि ऐसी बुक मैंने कभी नहीं पढ़ी इंडिया के बारे में। स्वामी सोमू समुअल राजम मनी शंकर, ये कौन थे, ये फ्रेंड थे भी स्वामी और उसके फ्रेंड, नाम स्वामी से ही पता चल रहा है स्वामी एंड फ्रेंड। इन्वेंचर इज अ टीचर इन अ स्कूल, इन विच नावल ही अपीयर, स्वामी एंड फ्रेंड्स में इन्वेंचर भी आता है, इन्वेंचर। एमसीसी की फुल फॉर्म क्या है भाई, मालगुडी क्रिकेट क्लब, वो जाते हैं ना क्रिकेट खेलने और लास्ट में नहीं पहुंच पाता वो। स्वामी एंड फ्रेंड्स में एमसीसी का मतलब है मालगुडी क्रिकेट क्लब, मालगुडी तो उनका नाम होता था। व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ स्वामी, स्वामी का पूरा नाम क्या था भाई स्वामी एंड फ्रेंड में, स्वामी नाथन। बैचलर ऑफ आर्ट कब पब्लिश हुई थी, 37 में, 1937 में। एस लिंगर रिगार्ड एंड ऑफ डार्क रूम, डार्क रूम का क्या, सिंथिकल साइनिकल कंक्लूजन। रामानी एंड सावित्री डार्क रूम में आई है, रामानी एंड सावित्री। हु इज़ द ऑफिसर ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ इंग्लिश इंश्योरेंस कंपनी इन डार्क रूम, ये था रामानी। हु लिव्स हर हाउस टू कमिट सुसाइड व्हेन शी सीज नो वे टू करेक्ट द वेज ऑफ हर हस्बैंड इन द नावल डार्क रूम, सावित्री थी भाई, घर छोड़ देती है, सुसाइड कर लेती है जब देखती है। ऑन सीइंग डेजर्टेड हु जॉइंड इंग्लैंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये था शंता भाई। हु सेव्स द लाइफ ऑफ सावित्री हु कमिट सुसाइड बाय जंपिंग इनटू रिवर, नदी में कूदकर जब वो सावित्री जान दे रही थी तो किसने बचाया था उसको, मरी, ब्लैक स्मिथ था ये, लोहार था भाई मरी। दिस नावल ऑफ नारायण इज अ डिफरेंट लव स्टोरी, इट प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ कृष्णा, अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश इन अल्बर्ट मिशन कॉलेज का जो लेक्चरर था कृष्णा, उसकी स्टोरी है। कहाँ था ये कॉलेज, अल्बर्ट मिशन कॉलेज था मालगुडी में। दिस लेक्चरर लव हिज वाइफ सुशीला बट सी इज स्टंक बाई अ फ्ली रिजल्टिंग इन टाइफाइड एंड फाइनली हर डेथ। लेटर विद द हेल्प ऑफ सन्यासी ही कम्युनिकेट विद द डेड स्पिरिट ऑफ हिज वाइफ। अब देखो द इंग्लिश टीचर है ये, इंग्लिश टीचर जो सन्यासी की हेल्प से अपनी मरी हुई पत्नी से बात करता है, सुशीला से, द इंग्लिश टीचर। हु इज द डॉटर ऑफ सुशीला एंड कृष्णा, कृष्णा जो इंग्लिश टीचर था और सुशीला उनकी बेटी का क्या नाम था, लीला। देखो हरियाणा ये
इंडिया के नाम अलग से ही पहचान में आ जाते हैं, और वो अंग्रेजों के नाम पता नहीं लैंडर क्या। विच नावल ऑफ नारायण डिस्कस पारासाइकोलॉजी, इंग्लिश टीचर में ही है ये पारासाइकोलॉजी। द नावल ऑफ नारायण वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1949 इन लंडन एंड इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन 1956। बट द सरप्राइज थिंग अबाउट द नावल इज दैट द टाइटल इज नेम्ड आफ्टर दिस करेक्टर, बट दिस करेक्टर डज नॉट अपियर इन द फर्स्ट 64 पेजेज आउट ऑफ 219 पेजेज ऑफ द नावल। ये कह रहे हैं कि उस कहानी के मतलब जो नावल है, नावल के नाम का जो मेन करेक्टर है उसी के नाम पे तो नावल का नाम है, लेकिन पहले अगर 64 पेज पढ़ लेते हो तब भी उस नावल करेक्टर का नाम नहीं आता। ऐसा कौन सा नावल है? मिस्टर संपत। विच करेक्टर स्टार्ट्स फर्स्ट वर्क ऑफ प्रिंटिंग एंड देन द वर्क ऑफ प्रोड्यूसिंग द फिल्म? कौन था वो? मिस्टर संपत, पेंटर ऑफ मालगुडी। मिस्टर संपत सेट अप अ रेडी स्टूडियो कहाँ पे? सनराइज पिक्चर स्टूडियो। पिक्चर स्टूडियो कौन सा था? सनराइज पिक्चर स्टूडियो। द फर्स्ट फिल्म दैट इज बींग शूट बाई स्वामीनाथ इज, पहली पिक्चर कौन सी थी? द बर्निंग ऑफ कामा। इन द मिस्टर संपत बीड फेयरवेल टू श्रीनिवासा हु इज द हीरो ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। कौन था हीरो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का? जो नावल था फाइनेंशियल एक्सपर्ट मर गया मर गया भाई, और कुछ होता होगा था पता नहीं, मर गया। फाइनेंशियल एक्सपर्ट मर गया, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है फाइनेंशियली, सभी को और चाहिए तो मर गया वो, तो ऐसे याद रख लेंगे। याद रखने में क्या? हु कॉल्स मर गया प्रोबेबली नारायण्स ग्रेटेस्ट सिंगल कॉमिक क्रिएचर, ये था मिस्टर वॉल्सन। मिस्टर वॉल्सन ने कहा था कि मर गया है ना वो, प्रोबेबली नारायण ग्रेटेस्ट सिंगल कॉमिक क्रिएचर है, पेपर में याद आई तब ना। दिस नावल इज वन कंस्ट्रक्टेड इन फाइव पार्ट्स, पांच पार्ट में है भाई। इन इट्स हीरो स्टार्ट हिज करियर एज ए मनी लैंडर, पहले मनी लैंडर के रूप में, हु रन्स हिज बिजनेस वाइल सीटिंग अंडर द बनियन ट्री। द हीरो अर्न्स अलोट बट फाइनली ही इज रूइंड बाय हिज ओन एक्सप्लॉइट सन, अपने बिगड़े हुए बेटे से ही बाद में तबाह हो जाता है, पहले बहुत अर्न करता है बहुत कमाता है। कौन सा नावल है वो? फाइनेंशियल एक्सपर्ट में है, पहले बनियन ट्री के नीचे बैठकर खूब बिजनेस करता है, बाद में अपने बेटे के कारण ही वो तबाह हो जाता है। हु इज द सन ऑफ मर गया, अच्छा उस बेटे का नाम क्या है? बालू है। हु सेल्स मर गया द मिस ऑफ अ बुक बैड लाइफ विद इंश्योरेंस दैट द रीनेम ऑफ बुक डोमेस्टिक हार्मनी विद विल सेल लाइक हॉट केक, ये था ओल्ड डॉक्टर पाल। हु रीड द मैस ऑफ द बुक डोमेस्टिक हार्मनी एंड इज रेडी टू पब्लिश इट ऑन अ 50-50 पार्टनरशिप, 50-50 पार्टनरशिप पे कौन था? मोहनलाल। फाइनेंशियली एक्सपर्ट बालू की शादी किससे होती है भाई? बालू जो उसका बेटा था ब्रिंडा, वैसे बालू वैसे ब्रिंडा। दिस नावल ऑफ नारायण प्रेजेंट द लव स्टोरी ऑफ श्री राम एंड क्या ये भारती, श्री राम एंड भारती अगेंस्ट द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस 1947 में, जब आज़ादी की लड़ाई थी तब। कौन था? वेटिंग फॉर महात्मा भाई, देखो श्री राम आ जाए ना जहाँ पे करेक्टर महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा। जगदीश ए टेररिस्ट अपियर इन वेटिंग फॉर महात्मा, जगदीश
श्री राम, जगदीश सारे वेटिंग फॉर महात्मा में। रेलवे गाइड राजू, द गाइड में भाई गाइड राजू, यही बाद में महात्मा बन जाता है फिर संत महात्मा। द गाइड रोजी इज द वाइफ ऑफ मार्को, मार्को की वाइफ थी रोजी जिससे ये अफेयर करता है। राजू हैज टू अंडरटेक द फास्ट फॉर कितने दिन, 12 दिन उपवास करता भाई एक दर्जन। When Raju comes out of the jail, जब वो जेल से वापस आता है क्योंकि उसने रोजी के गहने चुरा लिए थे ना, जेल से वापस आता तो he takes shelter in a deserted village on the bank of the river Sarayu, सरयू नदी के किनारे गांव में वो शरण लेता है। उस name the village is, उस गांव का नाम क्या था, मंगला, मंगला गांव था। The vendor of sweet, the sweet vendor, जागन था भाई स्वीट जो बेच रहा था। माली इज स्पॉइल्ड सन ऑफ, बिगड़ा हुआ बेटा किसका था, जागलन का, जागन का बेटा था। जागन कौन था, स्वीट बेचा करता, जागन का बेटा माली था। जागन रिटर्न फ्रॉम अमेरिका विद अमेरिकन वुमेन, एक अमेरिकन वुमेन से के साथ रिटर्न करता है। सी इंट्रोड्यूस एज जागन्स वाइफ, जागन की वाइफ होती है, बट द रियलिटी इज दैट जागन हैज नॉट मैरिड हर, रैदर ही लीड्स अ सिनफुल लाइफ विद हर। उस वुमेन का नाम क्या था, ग्रेस, गदी ग्रेस। नारायण हैज ऑल्सो पेंड अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज विच इज बेस्ड ऑन एंशियंट हिंदू मिथ्स एंड लीजेंट, हिंदू की मिथ क्या होगी, भगवान होगा चाहे दानव होगा चाहे दूसरी स्टोरी होगी, तो गोल्ड डायमंड एंड अदर मिथ, फालतू की मिथ जोड़े रखे। मालगुडी इज नारायण कास्टर ब्रिज, बट द इनहैबिटेंट ऑफ मालगुडी ऑल्दो दे मे हैव देयर रिकॉग्नाइजेबल सोशल ट्रैपिंग, all essential human and hence have their kingship with all humanity. In this sense, Malgudi is everywhere. तो ये कमेंट क्या था, श्रीनिवास लेंगर ने। नारायण का जो स्वामी एंड फ्रेंड है, बैचलर ऑफ आर्ट है, इंग्लिश टीचर है, ये नावल बेस्ड है स्कूल और कॉलेज लाइफ पे, क्योंकि टीचर, बैचलर, फ्रेंड, ये सारे कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में हो जाए फिर तो लाइफ जंड हो जाए। इन दिस इन हिज विलेज नावल ऑफ नारायण, डेसी और रमन किस में आते हैं, पेंटर ऑफ साइन में। व्हाट इज द नेम ऑफ टाइगर, अ टाइगर ऑफ मालगुडी, टाइगर का नाम क्या है, राजा, टाइगर क्या हुआ है, मालगुडी का टाइगर का है मतलब राजा। कबीर स्ट्रीट, लोले एक्सटेंशन, सरयू रिवर, नालापा ग्रोव्स, मम्पी हिल, ये सारे प्लेस आते हैं नारायण के नावल में। इट वॉज लाइक हैविंग मिडल एज मैन ईटर इन योर ऑफिस एंड होम विद द सेम अनसर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी पोटेंशियलिटी, ये नारायण के, सॉरी नटराज अबाउट वासु इन मैन ईटर मालगुडी, मैन ईटर मालगुडी में है ये। इफ द मैन इज विलिंग एंड द वीमैन इज विलिंग, इफ द मैन इज विलिंग एंड द वीमैन इज विलिंग, देयर इज मैरिज, भाई जब आदमी राजी हो, लुगाई राजी हो, तभी तो शादी होती है। वट हैज अ painter to do it with it, these are the views of a character on marriage, man eater of malgudi, ये कौन था, वासु था भाई। आप सभी 2x की स्पीड करके इसको देख सकते हो जल्दी से रिवीजन करने के लिए, ये कोई पढ़ाई के लिए नहीं है। पता नहीं इस कैमरे को क्या हो जाता है, साफ ही नहीं दिखता इसमें, एक सेकेंड। चलो हम कोई प्रोफेशनल नहीं है भाई पढ़ाने वाले, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और आपकी भी रिवीजन हो जाएगी जिसके पास बुक नहीं है। ओनली फूल्स मैरी एंड दे डिजर्व ऑल द ट्रबल दे गेट,
आई रियली डू नॉट नो वाई पीपल मैरिड एट ऑल. इफ़ यू लाइक अ वुमेन हैव हर बाई ऑल मीन्स. यू डोंट हैव टू ओन अ कॉफी इस्टेट बिकॉज यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी नाउ एंड देन. ये महान विचार थे वासु के, मैन ईटर ऑफ मालगुडी के. ठीक है, कि कोई मूर्ख ही है जो शादी करता होगा कि आपको कॉफी हाउस पर को थोड़े ना खरीद लोगे अगर आप कोई कप कॉफी का पसंद है तो. वासु एवरी राक्षसा गेट्स स्वोलन इनटू हिज विद हिज ईगो. ईगो के कारण ही मरते भाई सारे राक्षस. ही थिंक्स ही इज इनविंसिबल बियॉन्ड एवरी लॉ बट सूनर और लेटर समथिंग और अदर विल डिस्ट्रॉय हिम. सावित्री अबाउट वासु, सावित्री बोलती है वासु के बारे में. अब थोड़ा साफ दिख रहा है ना, कैमरा साफ किया. एवरी मैन कैन थिंक दैट ही इज ग्रेट एंड विल लिव फॉर एवर बट नो वन कैन गेस अबाउट विच क्वार्टर हिज डूम विल कम. ये भी शास्त्री ने बोला था वासु के बारे में. शास्त्री पहले सावित्री ने बोला था ना, नहीं वो भी शास्त्री ने बोला था भाई. शास्त्री बोल सकता है ऐसी बात. एवरी डैमन कैरीज विद इन हिम अननोन टू हिमसेल्फ अ टाइनी सीड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड गोज अप इन थिन एयर एट द मोस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट. अदरवाइज वट इज टू हैपन टू ह्यूमेनिटी. ये शास्त्री के विचार थे वासु के बारे में. महान विचार सारे शास्त्री के हो सकते हैं. नारायण लव्स ह्यूमैनिटी एंड डज नॉट टेक साइड. इन हिज नावल वी हैव नो डिडैक्टिसिज्म नो फिलोसफी नो प्रोपगेंडा. अ प्योर आर्टिस्ट दैट ही इज ही इंटरप्रेट इंडियन लाइफ एस्थेटिकली विद अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जेक्टिवली. ये कमेंट था डॉक्टर जी एन अग्निहोत्री. इतना कहाँ आता होगा, जो मुश्किल से लगे ना उसे उसको हम छोड़ देंगे, सिंपल सिंपल कर लेंगे. द नावल रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ नारायण स्वामी, नारायण वाइफ. अच्छा, नारायण की वाइफ के मरने के बाद जो नावल आया था वो था द इंग्लिश टीचर. इन द नावल मैन ईटर ऑफ मालगुडी द, वो देखो इंग्लिश टीचर में है ना, उसकी ऑटोबायोग्राफी सी लगती है मुझे तो, क्योंकि वो अपनी वाइफ के बारे में बोलता है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पता नहीं. अच्छा, ये था वासु भाई जो मैन ईटर मालगुडी में टैक्सी ड्रामेटिस्ट था. अगला कौन है, रागनी. रागनी कौन थी, रागनी मैन ईटर मालगुडी में आई थी भाई. रागनी मैन ईटर मालगुडी में एक एलिफेंट था, एलिफेंट का नाम क्या था, कुमार. नटराज, वासु, शेन, शास्त्री, मिठू, रागनी, सॉरी रागनी नहीं है, रागी है भाई, रागी. रागी मैन ईटर मालगुडी में है ये. हु हैज रिटन द इंट्रोडक्शन ऑफ नावल बैचलर ऑफ आर्ट, ग्राम ग्रीन. कई देर हो जाए ना पढ़ते हुए, ऐसे लिखते हैं. पहले भी, इससे पहले भी मैं पढ़ रही थी थोड़ा सा, बच्चों को पढ़ा रही थी. हु इज चंद्रन पोइट फ्रेंड, बैचलर ऑफ आर्ट में चंद्रन पोइट का फ्रेंड कौन था, मोहन. चंद्रत का एक पोइट फ्रेंड था, वो था मोहन. चंद्रन गिव टू द गर्ल ही लव्स इन बैचलर ऑफ आर्ट. क्या नाम रखा उसका, लक्ष्मी नाम रख दिया भाई. आर के नारायण इज कंटेंट लाइक ऑस्टन. ये कमेंट था प्रोफेसर श्रीनिवास का. हाउ मैनी पार्ट्स एंड चैप्टर डज द नावल बैचलर ऑफ आर्ट्स हैव. फोर पार्ट 18 चैप्टर, चार पार्ट में 18 चैप्टर भाई.
प्रोफेसर हु इज़ द प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन द नावल द बैचलर ऑफ हिस्ट्री, प्रोफेसर कौन है उसमें, प्रोफेसर रघुवंशर। द थीफ हु स्टोल जैस्मिन फ्लावर इन द नावल बैचलर ऑफ आर्ट, कौन था वो, सन्यासी था भाई, जैस्मिन के फ्लावर जिसने, थीफ हु स्टोल जैस्मिन फ्लावर, अच्छा वो चोर, चोर ने क्या किया था, फूल तोड़ लिए थे जैस्मिन के, ए सन्यासी, सन्यासी नाम था उसको, गणपति ये मैच मेकर था, जो भी शास्त्री गल आ गए ना वो मैच मेकर, ये शादी कराएंगे। आफ्टर अबाउट 8 मंथ ऑफ वंडरिंग, 8 महीने ऐसे ही बिना काम के घूमते हुए चंद्रन ने एक गांव में पहुंचा, गांव का नाम क्या था, कुप्पल। चंद्रन की शादी हुई अंत में किससे, सुशीला से। असिस्टेंट प्रोफेसर था इंग्लिश का और स्टूडेंट उससे नफरत करते थे, उसको एलिफेंट मास्टर कहते थे, कौन था वो, गजपति, गजपति मिस्टर गजपति। नारायण ग्रेजुएशन की महाराजा कॉलेज मैसूर से, नारायण के कैरेक्टर होते थे साउथ साउथ इंडियन। बैचलर ऑफ आर्ट में सीनू कौन था भाई, सीनू चंद्र का भाई था, चंद्रन का भाई। बेस्ट फ्रेज दैट फिट अबाउट नारायण के बारे में था, रीजनल, रीजनल मतलब वो अक्षेत्र के बारे में लिखते, मालगुडी अक्षेत्र के बारे में। वन इज टेम्प्ट टू एक्सक्लेम इजंट इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस इनफ, व्हाई शुड द ऑथर हैव had to suffer in himself the agony of his character। ये था भाई ग्राम ग्रीन ने इंट्रोडक्शन में कहा था, बैचलर ऑफ आर्ट के इंट्रोडक्शन में। नारायण wakes in me the spirit of gratitude for he has offered me a second home, without him I could never have known what it is like to be Indian। ये था भाई ग्राम ग्रीन के ही विचार थे भी। ट्रू हिस्ट्री वाज neither फिक्शन nor philosophy। बैचलर ऑफ आर्ट की लाइन है। हु इज एन इमिएंट एस्ट्रोलॉजर एंड अलमैनिक accomplished, क्या था मालगुडी में, ये कहाँ से आएंगे पेपर में, ये भी मुश्किल से ही लग रहा है, सारे विचार आ गए अब तो। अच्छा ये देख लेते हैं, लव इज ओनली अ ब्रेन अफेक्शन, इट लीड मी टू बेग एंड चीट टू डेजर्ट माई पेरेंट्स, ये चंद्रन ने कहा था बैचलर ऑफ आर्ट में। नेम चंद्रन का फादर का नाम क्या था भाई, ये एच सी वेन काटा चाला लेयर, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं। चंद्रन टुक द एजेंसी ऑफ, चंद्रन ने एजेंसी ली थी डेली मैसेंजर की, ये सारी किसी किसी, अच्छा ये देख लेते हैं। इट्स ऑल मास्टर ऑफ फेट, यू कैन मैरी ओनली द पर्सन हुम यू आर डेस्टिनेड टू मैरी एंड एप्रोप्रिएट टाइम अपॉइंटेड टाइम, वेन द टाइम कम्स लेट हर टू बी अगलीस्ट गर्ल, सी विल लुक लाइक लुक ऑल राइट टू द डेस्टिनेशन। मदर कहती है ये बात, माँ ही कह सकती है ऐसी बातें। मेरे ख्याल से बहुत हो गए, ज़्यादा हो गए, लास्ट वाले और देख लेते हैं थोड़े से। हु इज द फादर इन लॉ ऑफ चंद्रन, चंद्रन का फादर इन लॉ कौन था,
जया रामा लेयर। बस वही। हुज नावल इन इंडियन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर आर करेक्टर बाई चेकोवियन सिंप्लिसिटी एंड जेंटल ह्यूमर। ये नारायण ही था, जेंटल ह्यूमर था, सिंप्लिसिटी थी। कैसी लगी वीडियो, कैसी क्या ऐसी लगी होगी।